दोस्तों, जब भी कोई पूजा करता है तो वो अवश्य कुछ ना कुछ भोग अवश्य भगवान को अर्पित करता ही है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान को भोग अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे भगवान को हम भोग अर्पित करेंगे और उसके नियम क्या क्या होंगे। जी दोस्तों, देवी देवताओं के निवेदन के लिए जिस भोज्य द्रव्य का, ध्यान से सुनिएगा, जिस भोज्य द्रव्य का प्रयोग किया जाता है उसे नैवेद्य कहते हैं। उसे अन्य नाम जैसे भोग या प्रसाद या फिर प्रसादी आदि भी कहा जाता है। किसी भी देव या देवता को चढ़ाई हुई या भेंट की गई खाद्य वस्तु को भोग या नैवेद्य कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आपको किस तरीके से या फिर कौन से नियम जरूर माननी चाहिए नैवेद्य चढ़ाते वक्त। दोस्तों, नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य या फिर भोग में नहीं करना चाहिए। ये या फिर जिसमें ये सब प्रयोग हुआ होगा उसको नैवेद्य के तौर पर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य या फिर भोग में नमक की जगह मिष्ठान या फिर मिठाई रखना चाहिए। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रखना चाहिए। नैवेद्य की थाली तुरंत भगवान के आगे से हटाना नहीं चाहिए। शिवजी के नैवेद्य में तुलसी की जगह बेल और गणेश जी के नैवेद्य में दूर्वा रखना चाहिए। नैवेद्य देवता के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। जबकि कुछ ग्रंथों का मत यह भी है कि पके हुए नैवेद्य देवता के बाईं ओर जबकि कच्चा नैवेद्य दाहिने तरफ रखना चाहिए। भोग लगाने के लिए भोजन एवं जल पहले अग्नि के समक्ष रखें, फिर देवों का आह्वान करने के लिए जल छिड़कें। तैयार सभी व्यंजनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अग्निदेव को मंत्रोच्चार के साथ स्मरण कर समर्पित करें। उसके बाद अंत में देव आचमन के लिए मंत्रोच्चार से पुनः जल छिड़कें और हाथ जोड़कर नमन करें। भोजन के अंत में भोग का यह अंश गाय, कुत्ते और कौवे को दिया जाना चाहिए। पीतल की थाली या फिर केले के पत्ते पर ही नैवेद्य परोसा जाना चाहिए। देवता को निवेदित करना ही नैवेद्य है। सभी प्रकार के प्रसाद में निम्न पदार्थ प्रमुख रूप से रखना चाहिए, जैसे कि दूध, शक्कर, मिश्री, शक्कर नारियल, गुड़ नारियल, फल, खीर, भोजन इत्यादि पदार्थ। तो दोस्तों, इस तरीके से अर्पित करना चाहिए किसी भी देव या देवताओं को नैवेद्य या फिर भोग। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और इसी तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।